ये खंडर बता रहे हैं, मोटी मोटी दीवारें, ये चैत्य, ये ग्रेनाइट के स्तूप, ये ग्रेनाइट की बहुत बारीक बारीक शिल्पकला, छोटे छोटे बने हुए भगवान बुद्ध बहुत सारे, ये एक कमाल का दृश्य यहाँ है। सूरज लगभग छिप गया है, आप देखिए सूरज लगभग छिप रहा है। और ये देखिए ये कमाल की एक आसन है, ये पत्थर कहीं और से आए हैं और यहाँ लगाए गए हैं। बेसिकली मैं यहाँ, आप ऐसे समझिए जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय 8,500 भिक्षुओं में से एक भिक्षु की तरह यहाँ घूम रहा हूँ। ये ईंट पत्थर बाद में जोड़े गए हैं, कुछ संरचनाएं पुरानी मिली हैं, जैसे ये हैं, ये संरचनाएं पुरानी हैं, कुछ इसके ऊपर जोड़ा गया है, नीचे के फाउंडेशन बेस सब सीधे सीधे हैं। और ये बहुत पुरानी कलाकृतियां हैं, देखिए ईंटें किस तरह से काट के बनाई गई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ये पुरानी चीजें हैं। ये रौनक दीमक, ये फंगस, ये नई दीवार ऊपर है और पुरानी दीवार इसके नीचे है, जो ओरिजिनल दीवार है इसकी वो नीचे बेस में है। ये जो कारक हुआ है, ये नीचे की दीवार और ये ऊपर की दीवार, ये सब इसको आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग इसको बनाता है। ईंटों का साइज लगभग वही रखा गया है जो उस समय बनती थी, लगभग 1 फिट बाई 1.25 फिट की। ये जो दीवारें हैं नीचे की, ये जो कलाकृतियां हैं वो सारी की सारी है, सभागार, पुस्तकालय, टॉयलेट, बाथरूम, विपस्ना सेंटर, विहार, जगह जगह स्टूडेंट मोस्टली तो साधना से सीखा करते थे, साधना से अपने आप को जानना और फिर उसको आगे बढ़ना। मैं सुधीर दास सिंह, नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात, वर्ल्ड फेमस, पहली भारत की यूनिवर्सिटी जो दुनिया में अपना स्थान कभी नहीं खो सकती, एक समय आएगा जब यहाँ अच्छे लोगों का शासन आएगा और वो नालंदा जैसी फ्री एजुकेशन वाली, कम से कम भारत में 10,000 यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। और ऐसा अवश्य होगा क्योंकि दौर मनुष्य का जो दौर है, दौर मनुष्य मतलब द्वेष का, और भारत को जो पीछे धकेलने के जो लोग हैं उनको लोग पहचानने लगे हैं कि भारत में इतनी संपदा होते हुए भी, इतना बुद्धि होते हुए, इतना होते हुए भी ये दुनिया के लोगों में पिछड़ कैसे गया। यहाँ के लोग इतने मेहनती, इतने समझदार, यहाँ खाना, मौसम, पानी, जमीन सब यहाँ नंबर 1, फिर यहाँ पढ़ाई जैसी चीज जो पूरी दुनिया को फ्री मिलनी चाहिए, जो भारत के हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए मारा मारी क्यों है, क्यों एडमिशन नहीं होते, क्यों स्कूल नहीं खोले जाते, बहुत लोग क्यों नहीं एजुकेशन को फैलाना चाहते, क्यों उन्होंने पढ़ाई का, एजुकेशन का व्यापारीकरण कर दिया, बिना पैसे के आप पढ़ नहीं सकते, क्यों उन्होंने शिक्षा और पैसे को बराबरी पर खड़ा कर दिया। और अब तो हालत यह है कि पैसा ऊपर हो गया, शिक्षा का आता पता नहीं है, क्यों उन्होंने पतन किया। ये देखिए कितनी शानदार
इमारतें हैं, कितना बुलंद रहा होगा और कैसा सूरज निकल रहा है। लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं, इसका कोई जवाब नहीं।